हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी क्लोजर्स प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज जनरली आस्क इन एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पेपर्स। एटलीस्ट वन, दो, तीन, चार, पांच प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं इस टेबल पे, राइट? तो लिसन केयरफुली। तो अभी देखते हैं कैसे इसको मेमोराइज कर सकते हैं इस टेबल को। और यस, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर? फर्स्ट थिंग, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए 5 है और मेरे पास 3 है। 5 प्लस 3 करता हूँ तो दैट विल गिव्स आउटपुट 8। 5 माइनस 3, दिस इज 2। 5 इंटू 3 दैट इज 15, एंड 5 माइनस 3 दैट इज 5 डिवाइड बाई 3 इट इज 1.6667 समथिंग लाइक दैट, राइट? एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर? रिमेंबर दिस थिंग, क्लोजर मीन्स व्हाट? क्लोज, व्हाट क्लोज? लिसन, अगर हमने दो इंटीजर नंबर लिया, राइट, इंटीजर के में हमें एक एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास एक आउटपुट आ रहा, दैट इज 8। 8 इज ऑल्सो अ इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट? इंटीजर, ठीक। इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, बट नॉट इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, राइट? इट मींस वी कैन से द सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, बट नॉट डिविजन ऑपरेशन, राइट? दिस इज द क्लोजर। सपोज करिए मेरे पास एक सेट है, इस सेट में से हमने दो एलिमेंट उठाया, 5 3। 5 3 पे हमने एडिशन अप्लाई किया तो 8 आया, सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया 2 आया, राइट? मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किया तो 15 आया। तो व्हाट इज मीनिंग्स? हमने दो इंटीजर लिया इस सेट से और रिजल्टेंट भी मेरा ये इंटीजर कोई बिलोंग करता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन बट नॉट डिवीजन ऑपरेशन। सिमिलरली यहां भी ऐसे कुछ बोल सकते हैं हम लोग, रेगुलर इज रेगुलर, यहां पे देखिएगा, इज रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर द यूनियन ऑपरेशन, यस यस, राइट? इट मीन्स रेगुलर लैंग्वेजेस का अगर मैं यूनियन निकालूं, राइट, फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है उसका यूनियन निकालता हूँ तो यस होगा। अभी इनफाइनाइट के केस में हम बात करते हैं बाद में। तो दिस इज द सिंपल क्लोजर प्रॉपर्टी। इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज क्लोज अंडर द यूनियन ऑपरेशन, यस। इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर द इंटरसेक्शन ऑपरेशन, नो, दिस इज नॉट, राइट? तो दिस इज सिंपल क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ लिसन, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस पर क्या चीज़ें। वैसे थ्योरी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन, हाउ आर रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर द यूनियन ऑपरेशन, राइट? हाउ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर द इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ऑलरेडी डिस्कस इन क्लासरूम, राइट? तो जस्ट ये हम अभी टेबल शो कर रहा हूँ, इस टेबल का हेल्प लेके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, MCQ प्रॉब्लम को, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद और हम देखते हैं कुछ शॉर्टकट, देखते हैं कैसे याद करेंगे। वैसे एक चीज यहाँ याद रख सकते हैं आप, ओके, दिस इज रेगुलर लैंग्वेज, दिस इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, दिस इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, दिस इज रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन में भी जनरेटेड, राइट? ओके, तो अभी आपको टेबल में बेसिकली अभी ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं, AKTU एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट, बट ये भी आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, व्हाट इज इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट अभी के लिए हम टेबल के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर ऑप्शन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्लीन क्लोजर आर नन ऑफ द अबव, राइट? तो इसमें अगर आप इसको टेबल आपके पास रेफरेंस के लिए याद है तो आप ऐसे सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा,
तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर व्हाट? क्लोज अंडर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ये है, क्लोज किसके किसके क्लोज है, यूनियन के क्लोज में है और नहीं किसके है, नॉट क्लोज है, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। तो देखिएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन तो क्लोज नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट में भी क्लोज नहीं होगा, बट क्लीन स्टार में मेरे पास यस यस क्लीन स्टार हमारा क्लीन क्लोजर क्लोज होता है इन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो एक चीज और याद रखिए, लिसन, कुछ शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, हमने जैसे मेमोराइज किया आप भी ऐसे चाहे तो कोई और रूल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ और मेमोराइज के लिए कुछ कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिएगा ये, अच्छा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद ये पूछे जाते हैं रिकर्सिव लैंग्वेज से, रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज से, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस की वैरायटी आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से आती है। रेगुलर लैंग्वेज से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू क्लोजर प्रॉपर्टी। रीजन क्या है उसका, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज में आप सारे चीज देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑपरेशंस आर यस 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 यस, ऑलमोस्ट ऑपरेशंस। तो ऑलमोस्ट मतलब सारे, मोस्टली सारे प्रॉब्लम्स जो हैं सारे ऑपरेशन से क्लोज होते हैं रेगुलर लैंग्वेज का, बट एक प्रॉब्लम है जो कि वो क्लोज नहीं होता है। वो कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस किया था हमने, अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज का इनफाइनाइट सम करता, यूनियन निकालता हूँ, रेगुलर लैंग्वेज हम कई सारे लेते हैं, रेगुलर लैंग्वेज वन, रेगुलर लैंग्वेज टू, रेगुलर लैंग्वेज थ्री, इसका इनफाइनाइट यूनियन निकालता हूँ, तो दैट विल नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, वो हमारा रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था क्लास में, सपोज करिए एक लैंग्वेज है ए बी, ए बी इज द रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो रेगुलर लैंग्वेज एक्सप्रेस हो सकता है और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, ए ए बी बी, राइट, ए ए बी बी, ये हो गया। इसी तरह तीन बार ए, थ्री टाइम्स ए, थ्री टाइम्स बी, इसका यूनियन फोर टाइम्स ए, फोर टाइम्स बी, अगर ऐसा हम लिखते चले जाएं और यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करूं तो एक टाइम पे ऐसे आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए फॉलोड बाई नंबर ऑफ बी, इट मीन्स नंबर ऑफ ए फॉलोड बाई नंबर ऑफ बी, सेम नंबर ऑफ बी, सच दैट एन इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू वन, राइट। दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, रिमेंबर यू नो ऑलरेडी, इसको हमने पीडीए से ड्रॉ किया था, पीडीए बनाया था, तो दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज आर नॉट क्लोज क्लोजर टू, मीन्स इनफाइनाइट यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज आर नॉट क्लोज, राइट राइट यस। हाँ अगर इसमें यस, दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट यू शुड रिमेंबर, तो रेगुलर के केस में, सीएफएल के केस में, सीएफएल के केस में, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज इसी लैंग्वेज से ज्यादा पूछी जाती है आपको क्या, हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट थिंग ये चीज याद है, इसमें देखिएगा, इस कॉलम में देखिएगा, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री कॉलम में केवल तीन जो हैं वो हमारे नॉन क्लोजर हैं, जो हमारे ऑपरेशन हैं वो नॉन क्लोज हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन हैं, एक कॉम्प्लीमेंट है, सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन। तो हम कैसे कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, सी एस आई मीन्स कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एटलीस्ट याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो सी एस आई, सी एस आई क्या, हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए सी एस आई मीन्स, याद रखिएगा, सी एस आई मीन्स कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन आर नॉट क्लोज्ड, बाकी जो ऑपरेशन है वो हमारे क्लोज हैं, सिंपल, राइट। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं एक सिंपल, ये एक चीज याद रखिएगा वंस अगेन, कॉम्प्लीमेंट सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन आर नॉट क्लोज इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, यस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और क्लोज अंडर है, याद रखिएगा सी एस आई, कॉम्प्लीमेंट सेट डिफरेंस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मेरा क्लोज नहीं होता, ये निगेटिव वाला है, नॉट नॉट क्लोज, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, बट क्लीन क्लोजर यस है, दिस मीन्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज नॉट क्लोज अंडर, यस याद रखिएगा सी एस आई, सी एस आई मीन्स कॉम्प्लीमेंट सेट डिफरेंस इंटरसेक्शन, तो नॉट क्लोज अंडर दिस, यस करेक्ट, इंटरसेक्शन भी है, यस सेट डिफरेंस भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, इट मीन्स ये सारे हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हमने इसका रेफरेंस लिया, ये एग्जाम्स के पेपर से रेफरेंस लिया हुआ, राइट।
ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर द व्हाट, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर सी एस आई, सिंपल, नोट डाउन, सी एस आई, कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये क्लोज अंडर बोल रहे हैं, यस क्लोज अंडर, यूनियन, इंटरसेक्शन, नहीं, इंटरसेक्शन इज नॉट, इंटरसेक्शन इज नॉट क्लोज, यूनियन, क्लीन क्लोजर, यस अभी ये हो सकता है, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, नो, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, क्लोजर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट एक मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, इट मीन्स दिस बी इज द करेक्ट आंसर, यूनियन और क्लीन क्लोजर हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। इसमें मैच कर सकते हैं आप, यूनियन और क्लीन क्लोजर, यूनियन मेरा यस हमारा क्लोजर है और क्लीन क्लोजर भी यस ये क्लोजर है, राइट। तो ये हमारे ऑपरेशंस नहीं है, राइट। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, यस। पांचवा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर व्हाट, सी एस आई, कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन, टेल मी, क्लोज अंडर यूनियन, यस सही है, क्लोज अंडर द कॉम्प्लीमेंट, नो नो नो, कॉम्प्लीमेंट वाला नो, क्लोज अंडर द इंटरसेक्शन, नो, क्लोज अंडर द क्लीन क्लोजर, यस क्लीन क्लोजर, यस करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, ये दो ऑप्शंस करेक्ट कैसे हो गए, यस क्लोज अंडर, ओ सॉरी सॉरी, चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे, सेट डिफरेंस, क्लीन क्लोजर की जगह सेट डिफरेंस, तो सी एस आई इज नॉट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लोज अंडर द यूनियन ऑपरेशन, राइट। रिमेंबर, सिंपल, वेरी इजी। तो हाँ, आपने कई सारे क्वेश्चन जो देखे होंगे सारे आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से मिला होगा, किससे, सिंपल, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, आप गूगल पे भी सर्च करिएगा तो आपको मोस्टली क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से मिलेंगे, उसके बाद रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल से मिलेगा। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, रिकर्सिव लैंग्वेज आर क्लोज अंडर द यूनियन ऑपरेशन, यस। ये टेबल का रेफरेंस लेके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसी तरह एक और टेबल होगी डिसाइडेबल टेबल, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, बट दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, रिमेंबर दिस पॉइंट। एक दो तीन चार प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं इस टेबल से रिलेटेड, राइट। ओके, दिस इज सिंपल अबाउट दिस क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।